हेलो 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 एंड वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे 12th के लेक्चर में, और उसके बाद सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 12th में आ गए हो। एक जिसको एक कैजुअल पढ़ाव अपन मानते हैं, 11th का अब बच्चे कैजुअली मानते हैं, ठीक है। हमने कितना भी बच्चों को सीरियस करने की कोशिश किया तो भी बच्चे क्या करते हैं, उसको कैजुअली ही मानते हैं। तो वो जो अपना कैजुअल अटेम्प्ट था 11th का, वो सब लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अभी हम 12th में आ गए, तो 12th में आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है, आज का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में जाहिर सी बात है हम स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही स्टार्टिंग करेंगे, हम उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो इंग्लिश के ऊपर होने वाला है। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों? हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। मेरा नाम है यहाँ पे संकेत सुधीर देश पांडे। बहुत सारे जन मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते, उनको मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे बारे में कुछ बातें समझ लो। देखो, तुमको पता होना चाहिए तुमको कौन पढ़ा रहा है, बराबर है क्या? क्योंकि बाहर जाके अगर कोई तुमको बोलेगा कि तुमको इतनी अच्छी इंग्लिश किसने पढ़ाई, तो तुमको नाम पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, बराबर है क्या? तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे हाथ में बुक और हाथ में एक स्केल लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं एक सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल एग्जामिनेशन मेरी बाकी है, तो मैं अभी सीए फाइनल का एक स्टूडेंट हूँ। मैं मेरी टीचिंग की तरफ बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ, और मेरी टीचिंग की मेथड ऐसी है कि मैं थोड़ा फ्रेंडली टीचर, लोग मुझे बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट मेरे को फ्रेंडली टीचर बोलते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी को डांटता नहीं हूँ, कभी किसी को रुलाता नहीं हूँ। बहुत कम बार मैं बच्चों को जो है वो मेरे डांटता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चे सब अच्छे हैं। जो अभी नए ज्वाइन होंगे वो भी सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं, और जो मेरे 11th के पहले से बच्चे वो तो बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है क्या? और उसके बाद और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे लेक्चर, आपने मेरे सेशन पहले से एंड तक अच्छे से देखे, और मैं जो जो चीज यहाँ पे तुमको बोलूंगा वो सारी की सारी चीजें तुमने वहां पे की, तो तुमको घर पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यू नो नीड टू स्टडी एट ऑल एट योर होम। आपको घर पे बिल्कुल पढ़ाई करने जरूरत नहीं, लेकिन घर पे पढ़ाई ना करने के भी कुछ रूल्स है कि हमको क्लास में क्या क्या करना होगा, तो क्लास में क्या क्या करना है वो भी मैं तुमको यहाँ पे बोल दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जाहिर सी बात है अपन ऑनलाइन पढ़ने वाला है, अगर ये सेशन ऑफलाइन होता तो मैं आपका भी इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे ले लेता, बट जैसा आपको पता है कि अभी हम ऑनलाइन में ही पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन तो जैसा कोविड का पैंडेमिक चालू है तो ऑफलाइन तो अपन नहीं आ सकते, ये जो कोरोना बाहर फैला हुआ है उसकी वजह से। तो एक बार सब चीजें खत्म हो गई ना, कि फिर अपन ऑफलाइन आएंगे, फिर बहुत 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 मजा करेंगे एक बार ऑफलाइन आने के बाद। और जो बच्चे ऑफलाइन आके गए ना एक डेढ़ महीना, ये जो 11th के बच्चे, उनको पता है अपन क्लास में कितने हंसी मजाक करते हैं। लेकिन अभी कैसा है माहौल, ऐसा है कि हम नहीं आ सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। देखो बेटा, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये वाले लेक्चर में मैं तुमको क्या क्या बताऊंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं ये वाले लेक्चर में तुमको कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स दूंगा, पढ़ाई की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। उसके बाद मैं तुमको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि अपने इंग्लिश का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि मार्क्स एलोकेशन कैसे किया है। अभी ये जो मार्क्स एलोकेशन है ना, उसमें मार्क्स एलोकेशन में बहुत सारे चेंजेस जो है वो इस बार HSC बोर्ड ने किए हैं, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो चेंज किए उन्होंने। हालांकि अभी तक 12th की एग्जाम हुई नहीं है, तो और क्या क्या चीजें चेंज होगी कंसिडरिंग द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, अभी तक वो चीजें क्लियर नहीं है। जैसे वो चीजें क्लियर हो जाएंगी मैं आपको वो भी अलर्ट कर दूंगा। उसके बाद स्किल्स टू लर्न, मतलब एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में क्या क्या सीखना चाहिए, और उसके बाद पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। बहुत सारे जन इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, तो वो भी अपन बताएंगे। और उसके बाद जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा अपना इंग्लिश, उसका इंपॉर्टेंस क्या है अपनी जिंदगी में, ये इंग्लिश क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। तो चलो आओ बच्चों, अभी सबसे पहले मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा कि कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो हमको जिंदगी में मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ाई करते वक्त, हमको पूरी जिंदगी में ये जो पॉइंट्स है हमको थोड़े ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, जिंदगी में ना बच्चों कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हर एक चीज का अपना टाइम होता है, हर एक चीज तुमको अगर अचीव करनी है तो उसके लिए एक उसका सर्टन पाथ होता है, वो रास्ते से तुमको चलना पड़ता है, उतनी टाइम तक उतनी देर तक जो है वो तुमको वहां पे चलना पड़ता है, तो तुमको उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होती। तो कोई भी शॉर्टकट
ढूंढने की यहाँ पे हमने कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो पढ़ाई होती है ना बच्चों, वो पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पढ़ाई शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, स्टडी शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे अपन बोलते हैं कि बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज बेटर देन स्टॉपिंग, धीरे धीरे चलना ऑलवेज बेटर है एक बार रुकने से। अपन अगर रुक गए तो अपन वहां पे खत्म हो गए, अगर अपन धीरे धीरे चलते रहे तो अपन अपने गोल की तरफ, अपन अपने टारगेट की तरफ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सबसे पहले तुमको ये बोल दूंगा, पर्टिकुलरली जो यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो मराठी मीडियम स्कूल से है, या फिर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को इंग्लिश में वीक मानते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं भी एक मराठी मीडियम स्कूल से बिलोंग करता हूँ, मेरे को भी पता है कि क्या क्या दिक्कत होती है बच्चों को। अभी अपने साथ जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, कॉन्वेंट वाले बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है ऐसा अपने को लगता है, अपनी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती ऐसा अपने दिमाग में जो है वो फीडअप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुमको बोलता हूँ, योर पास्ट डजंट मैटर एट ऑल। तो अपना पास्ट क्या है ये सब्जेक्ट को लेके, तुमको कितने 10th में मार्क्स आया, तुमको कितने 11th में मार्क्स आए, तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश कितनी बुरी है। देखो बच्चों, इस पे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, ये बात का हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको आज की डेट से लेके, ठीक है, मान लो अभी अप्रैल चालू है, अप्रैल से लेकर दिसंबर या फिर हमारा आगे आने वाला मार्च, हमारे पास कंप्लीट 11 महीने हैं। 11 महीने हैं हम हमारे अपने आप को एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करने में, और 11 महीने में तो हम एक नई लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। इंग्लिश तो चलो हमारी पुरानी ही लैंग्वेज है जो हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश कितनी बुरी है, उस पर कुछ भी एक्सक्यूज मी कोरोना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश कितनी बुरी है, इस पे कुछ भी मैटर नहीं करता। अब यहाँ से मैटर क्या करेगा कि तुम इसके आगे कैसा पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करके बैठते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मेरी इंग्लिश पहले से ही अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं मराठी मीडियम स्कूल से बिलोंग करता हूँ, मैं सेम इंग्लिश से हूँ, मैंने 10th में भी मेरे को कम मार्क्स आया है। देखो ये सब बातें ना तुम अभी पीछे छोड़ दो, दैट इज योर हिस्ट्री। हिस्ट्री को कभी भी पीछे रखना चाहिए, हिस्ट्री से अगर कुछ सीखने को मिले तो सीखो, अदरवाइज हिस्ट्री को तुम भूल जाओ। और उसके आगे अपन अभी कैसा प्रेजेंट और फ्यूचर अपन अपना कैसा डिजाइन करेंगे, ये देखो बच्चों अपने हाथ में होता है। तो यहाँ पे हमको करना क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे हमको क्या करना है कि पास्ट हमारा जो पूरा इतिहास है वो पूरा का पूरा भूल जाना है, और यहाँ पे हमको जो है वो आगे बढ़ना है हमारे फ्यूचर की तरफ। तो 11 महीने में हम अपने आप को कैसा यहाँ पे मोल्ड करते हैं, हम अपने आप को कैसा रेडी करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे बात होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मेरे पहले के बैच में जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था, बट आज की डेट में वो कॉन्फिडेंट है। आज की डेट में मैं तुमको उनके वीडियोज भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से वीडियोज में बात करते हैं, उनको अभी कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो ये ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करते गए, मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ, मैं तो तुमको गाइड करने के लिए बैठा हूँ ऑलवेज यहाँ पे, तो मैं तो तुमको गाइड करूंगा ही करूंगा, लेकिन बच्चों तुमको भी थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बोलूंगा कोई भी चीज ऑप्शन में मत छोड़ना, ये बच्चों की आदत होती है। 10th में अपन ने किया होगा कि 6 चैप्टर है, 6 में से 4 ही करके जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो चैप्टर को ज्यादा वेटेज है, जो सर ने टिक मार्क हमको इंपॉर्टेंट मार्क्स करके दिए है वो अपन करके जाएंगे, बाकी की चीज ऑप्शन में रखेंगे। देखो बेटा मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कोई भी टॉपिक ऑप्शन में छोड़ने में बिलीव नहीं करता हूँ, हाँ ठीक है। कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे राइटिंग स्किल में है, राइटिंग स्किल में हमको 4 में से एक ही कुछ पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट्स दिए वाले रहेंगे, 4 में से एक पॉइंट लिखना है, फिर वो केस में तुम 4 में से 2 पढ़ो और वो 2 में से 1 लिखो, फिर वहां पे जो है वो एक्सेप्टेड है, लेकिन बाकी की कोई भी चीज जो है वो तुमने ऑप्शन में नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा मैं यहां पे मानता हूं। और उसके बाद अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, अपनी अपना वीकनेस क्या है, मेरे को इंग्लिश में कहाँ पे मैं कम हूँ, मेरे को इंग्लिश पढ़ना जो है वो आता नहीं है, मेरे को इंग्लिश में बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को इंग्लिश में बात करना आता ही नहीं है, मेरे को इंग्लिश में प्रेजेंट अपने आप को करना आता नहीं है, इंग्लिश का सेंटेंस मेरे को बनाना आता नहीं है, इंग्लिश की स्पेलिंग मेरे को अच्छे से आती नहीं है। तो अपना वीकनेस क्या है, देखो बच्चों अभी आप ऐसे एज में हो कि तुम एटलीस्ट ये तो भी एनालाइज कर सकते हो बैठे बैठे कि मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे कहाँ पे कम पढ़ रहा हूं, और जहां पे अपन यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं, जहां पे हम थोड़ा सा वीक है, वहां पे हमको अंडरस्टैंड करना है कि हम एग्जैक्टली कौन सी एरिया में हम यहाँ पे वीक है, और वो वाले एरिया को हमको यहाँ पे जो है वो इंप्रूव करना है। अगर हम ऐसे कंटिन्यूस बेसिस पे करते गए तो मैं लिख के देता हूँ आपको कि आपकी इंग्लिश बहुत 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 अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और अभी मार्क्स एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, देखो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस, मैं तुमको थोड़े बहुत चेंजेस भी यहाँ पे मार्क करके दे दूंगा कि इस साल क्या चेंजेस किए वाले हैं। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ कुछ चीजों में यहाँ पे चेंजेस है, जैसे मैं तुमको बोलूँ यहाँ पे
चलो तो मैं तुमको यहाँ पे बोलूँ, देखो बच्चों चैप्टर्स को 40 मार्क्स है, तो ये तो एज इट इज 40% मार्क्स चैप्टर तो कैरी करता है, लेकिन ये जो ग्रामर के 15 मार्क्स थे ना, इस बार उन्होंने क्या किया पता है क्या, इस बार उन्होंने क्या किया, एक नया सेक्शन लेके आ गए, उसका उसको नाम दिया, उसको नाम दिया उन्होंने ड्रामा। क्या नाम दिया? ड्रामा, या फिर उसको और एक नाम देते हैं नॉवेल। ये वाला एक सेक्शन लेके आ गया और ये वाले सेक्शन को उन्होंने 16 मार्क्स रखे। कितने मार्क्स रखे हैं? 16 मार्क्स रखे। तो उन्होंने क्या किया सर, कहाँ से कम किए? तो ये चैप्टर में से कुछ मार्क्स उन्होंने कम किए और ग्रामर में से कुछ मार्क्स कम किए। तो अभी अगर मैं बोलूँ तुमको इफेक्टिवली, तो ये जो ग्रामर है ये बच्चों अभी सिर्फ 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, 4 से लेके 5 मार्क तक ये ग्रामर जो है वो पूछा जाता है, और उसके बाद ये जो चैप्टर्स है ये 28 से 30 मार्क का जो है वो हमको पैसेज पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद राइटिंग स्किल के 25 मार्क तो यहाँ पे एज इट इज है, 24 से लेके 25 मार्क तक जो है वो हमारा राइटिंग स्किल आता है, ठीक है। मैं अगर तुमको प्रिसाइजली बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर जो है वो अपना 6 या फिर 7 हमारा राइटिंग स्किल के ऊपर होता है, और उसमें हमको 4 बीट होते हैं, ए बी सी और डी, और ये चारों बिट रहते हैं 4-4 मार्क्स के। तो मैं अगर तुमको प्रिसाइजली बोलूँ तो राइटिंग स्किल हमको आता है 16 मार्क का, और प्लस उसमें एक 3 मार्क का बीट आता है वो रहता है समरी राइटिंग। तो टोटल हमारा राइटिंग स्किल हो जाता है 19 से लेके 20 मार्क तक, 19 to 20 मार्क्स का हमारा राइटिंग स्किल होता है। और उसके बाद हमारी ओरल टेस्ट, जो उसको अपन जो है वो 20 मार्क्स अपन बोलते हैं कि स्कूल की तरफ होते हैं, तो ये जो 20 मार्क्स है ना बच्चों, ये 20 मार्क्स हमारे कॉलेज की तरफ होते हैं, तो ये 20 मार्क्स होते हैं हमारे ओरल टेस्ट के लिए। और इसमें बहुत सारी बातें होती है, इसमें तुम्हारा प्रेजेंटेशन आता है, उसके बाद इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ट्यूटोरियल आता है, इसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो ये 20 मार्क्स में आएगी, तो ये 20 मार्क्स के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 20 मार्क्स देखो बच्चों हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में मतलब ऑब्वियसली बात है, हम किसी को कितने भी मार्क्स यहाँ पे नहीं देंगे, हम डिजर्विंग कैंडिडेट को डिजर्विंग मार्क्स यहाँ पे देंगे। तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस किए वाले है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे पूछे कि सर कौन सी दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, देखो ऑप्शन में तो कोई चीज छोड़नी नहीं है, सारी की सारी हमको चीजें करनी है, लेकिन अगर मैं तुमको सिक्वेंस बोलूँ तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए राइटिंग स्किल के ऊपर। किसके ऊपर होना चाहिए? राइटिंग स्किल के ऊपर। राइटिंग स्किल्स के ऊपर हमारा फोकस एक बार हो गया, राइटिंग स्किल हमको देंगे यहाँ पे 20 मार्क्स, एक अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 1-2 मार्क्स इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए राइटिंग स्किल के बाद नॉवेल सेशन पे, नॉवेल हमको देता है 16 मार्क्स। उसके बाद हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए चैप्टर्स के ऊपर, चैप्टर्स हमको देता है अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स, ठीक है। और बाद में फिर आता है अपना ग्रामर, ठीक है क्या, बाद में हमारा आता है ग्रामर। तो देखो बच्चों ग्रामर हमको देता है 4 मार्क्स। मैं अगर यहाँ पे तुमको प्रिसाइसली बोलूँ क्या, तो ये राइटिंग स्किल हमको यहाँ पे देगा, मैं एक तुमको 25 मार्क्स, और चैप्टर्स को कर दो 35, ठीक है, ये होता है टोटल, ठीक है। अब देखो 25 + 35 कितने हो गया बच्चों, 30 और 30 60, 60 और ये 20 80, 80 मार्क्स का यहाँ पे जो है वो अपना पेपर कंप्लीट हो गया, 80 मार्क्स का पेपर प्लस उसमें 20 मार्क्स ओरल के, और ये हो गया अपना 100 मार्क का पेपर, ठीक है। तो ऐसा कुछ आता है यहाँ पे इंग्लिश का पेपर, ठीक है क्या, 100 मार्क का हमारा इंग्लिश का पेपर रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा मार्क्स का एलोकेशन है, ठीक है। इसके बाद जो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कौन सी बातें हमने यहाँ पे लर्न करनी चाहिए, कौन सी बातें हमने सीखनी चाहिए, तो मैं बिलीव करता हूँ खुद यहाँ पे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को इंग्लिश के बारे में 3 चीजें आनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें देख लेना, ठीक है। यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में बात कैसी करनी है। उसके बाद तुमको पता होना चाहिए हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना कैसे है। और उसके बाद तुमको ये भी पता होना चाहिए हाउ टू राइट इंग्लिश, ठीक है, कैसे इंग्लिश लिखते हैं। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत बेसिक है सर, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना तो हमको आता है, हाउ टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश लिखना भी हमको आता है। लेकिन बच्चों मैं तुम्हारे जो तुम अभी इंग्लिश पढ़ते हो और जैसे तुम इंग्लिश लिखते हो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना मतलब जब भी हम चैप्टर का कोई यहाँ पे एक आधा पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो सिर्फ तुमको वो पैराग्राफ पढ़ना नहीं है लाउडली, तुमको वो पैराग्राफ को समझ के भी लेना है, पढ़ते पढ़ते वो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड भी करना है। तो यू शुड नॉट रीड ओनली, यू शुड रीड प्लस अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ, बराबर है क्या। तुमको रीड भी करना है और साथ में साथ उसको अंडरस्टैंड भी करना है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए। और दूसरी चीज, इंग्लिश लिखना मतलब मैं सिर्फ इंग्लिश मैं यहाँ पे डिक्टेट करूंगा तुम वहां पे लिखोगे, ऐसी इंग्लिश की राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल इंग्लिश राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ एक
कम्युनिकेशन एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश लिखना, तुमने प्रॉपर वे अपना कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे अगर लेटर लिखना है तो लेटर शुड बी रिटन इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, या फिर अगर कोई और राइटिंग स्किल अगर तुमको लिखनी है इट शुड बी रिटन इन ऑफिशियल लैंग्वेज, बराबर है क्या? तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे लिखना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ये भी तुमने सीखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, मैं तुमको बोलता हूँ, इंग्लिश तुमको बोलते आनी चाहिए। अब देखो बच्चों, जमाना ऐसा हो गया कि आज के डेट में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उनको अपन अनपढ़ बोलते हैं सीधा सीधा। और तुमको इंग्लिश सिर्फ पढ़ते और लिखते नहीं आनी चाहिए, तुमको इंग्लिश में बात करना भी आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगर तुम कम्युनिकेट कर सकते हो इंग्लिश में तो अपन बोल सकते हैं कि तुम अपने आप को एक अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से अपने आप को एक प्रेजेंट कर सकोगे। और ये तीनों अगर क्वालिटीज तुम में आ गए ना, देन यू विल बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। और सिर्फ इंग्लिश में तुम एक्सपर्ट नहीं होगे, देखो ये ओवरऑल इंपैक्ट करता है। ओवरऑल कैसे इंपैक्ट करता है, ये तुम्हारे पर्सनैलिटी पे इंपैक्ट करेगा। अगर तुमको इंग्लिश में अच्छे से बात करना आ गया तो तुम्हारी पर्सनैलिटी जाहिर से बात है जो है वो एक इम्प्रेस पर्सनैलिटी हो जाएंगी, जो ऐसे लोग तुमको देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर तुमको इंग्लिश में बात करनी आ गई तो एक तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें तुम ग्राफ्स कर सकोगे, जैसे इंग्लिश न्यूज है वो इंग्लिश न्यूज तुम अच्छे से समझ सकोगे, इंग्लिश न्यूज पेपर तुम अच्छे से पढ़ सकोगे, इंग्लिश मूवीज तुम अच्छे से देख सकोगे। तो ओवरऑल एक तुम्हारी जिंदगी में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है ये इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। देखो मैं इसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए इसमें मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुमको भी पता है पढ़ना कैसा है। मैं तुमको बोल देता हूँ कि ये जो अपना क्लास है आसा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज, ये वाले कॉलेज में, ये वाले क्लास में तुमको पढ़ना कैसे है, हमारी सिस्टम कैसी है, मेरी सिस्टम कैसी है पर्सनली पढ़ाने की, और मेरे को क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे। देखो बच्चों, पहले सेक्शन में तुमको पता होना चाहिए कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुमने ये चारों चीजें की, चार स्टेप्स है मेरी पढ़ाई में, अगर ये चारों स्टेप तुमने किया तो तुमको घर पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप है एकदम अटेंड ऑल द लेक्चर्स, जो भी लेक्चर होंगे मेरे, रिविजन लेक्चर्स होंगे, नॉर्मल लेक्चर्स होंगे, डाउट सेशन होंगे, जो भी लेक्चर होंगे, तुमको एक भी लेक्चर मिस आउट करना नहीं है। हर एक लेक्चर तुमको यहाँ पे देखना है, और साथ ही साथ तुम्हारी नोटबुक भी तुमको कंप्लीट करनी है। क्या बोला मैंने, सिर्फ तुमको लेक्चर देख के रुकना है क्या? नहीं, साथ ही साथ तुमको नोटबुक भी कंप्लीट करनी है। नोटबुक में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं तुमको जैसे जैसे आगे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुमको बोलता चला जाऊंगा। तो तुमको क्या करना है, वहां पे सारे के सारे लेक्चर अटेंड करने हैं, और प्लस तुम्हारी नोटबुक भी जो है वो वहां पे बनी हुई चाहिए, नोटबुक भी वहां पे जो है वो कंप्लीट चाहिए। उसके बाद तुमको करना क्या है, उसके बाद हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी 20% सिलेबस कवर हो गया कि अपने वीकली टेस्ट जो है वो चालू हो जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी चालू हो जाएगी। तो ये जो वीकली टेस्ट होते हैं बच्चों, ये वीकली टेस्ट एक पैरामीटर होता है जिससे मैं ये समझता हूँ कि मैंने पढ़ाई वाला आपको कितने अच्छे से समझा, और क्या आप वहाँ पे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो क्या। ये चीजें समझने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है, और वो जरिया है ये वीकली टेस्ट, ठीक है क्या? एक सेकेंड में सब ठीक है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, एवरीथिंग इज गुड। तो मेरे पास एक ही जरिया है बच्चों, कौन सा जरिया है, वो है वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट भी हमको यहाँ पे अच्छे से देना है। उसके बाद हमारे प्रीलिम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम के पहले हमारे प्रीलिम्स होते हैं, जैसा अभी 12th की प्रीलिम्स शुरू है फिलहाल, तो वो प्रीलिम्स भी हमको सारे के सारे पेपर अटेंड करने हैं, सारे के सारे पेपर अच्छे से सॉल्व करने हैं। और बाद में हमारे पास एक कंसेप्ट है इंग्लिश के लिए, वो है रिविजन वर्कबुक। रिविजन वर्कबुक मतलब एक वर्कबुक रहेंगी 100 से 110 पेजेस की, वो वर्कबुक में बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन रहेंगे। तो हमको वो वाली वर्कबुक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। अगर ये चार स्टेप कर लेना बच्चों, तो तुमके घर पे जो है वो पढ़ाई करने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन एक ही कंडीशन है कि तुमको ये चारों के चारों स्टेप्स अच्छे से करना है। देखो कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस आउट ना हो। कोई एक ऐसा स्टूडेंट रहेगा जो सारे लेक्चर करेगा लेकिन नोटबुक ही कंप्लीट नहीं करेगा, कोई नोटबुक कंप्लीट करेगा लेक्चर करेगा बट वीकली टेस्ट नहीं देगा, तो ऐसा नहीं करना है। हमको जो है वो ओवरऑल अच्छा इंपैक्ट जो है वो लेके आना है, ठीक है क्या? तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैं तुमको क्यों हम इंग्लिश पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है ना, तुमने मेरे को क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे, क्या सर इसकी वजह से पढ़ रहे क्योंकि ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है, या फिर इसका अदर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। तो मैं तुमको बोलूं, देखो बच्चों, ये वाला सब्जेक्ट अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो एक तो पहली चीज होगी सर हम मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, पढ़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ना नहीं बोलूंगा। देखो हर कोई रांझो नहीं हो सकता, कोई कोई चतुर भी होगा यहाँ पे कि मेरे को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है चूरन खा के, ठीक है, तो तुम मार्क्स के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। लेकिन मार्क्स के लिए पढ़ते पढ़ते तुमको ये भी ख्याल आना चाहिए कि इंग्लिश सिर्फ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसका प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा यूज है।
प्रैक्टिकल में कैसे यूज है। देखो बच्चों, अगर अपने को इंग्लिश आ गई, जैसे मैंने तुमको कहा, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएंगी, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, तुम एक अपने आप का एक नया वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर सकोगे अगर तुमको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ गई तो। और 100 मार्क तो अपने है ही सब्जेक्ट के, तो तुमको दोनों में से कोई भी चीज तुम चुन लो। अगर तुमको लगा मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है तो मार्क्स के लिए पढ़ाई करो, तुमको लगा कि नहीं मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई करो, तुमको अगर लगा कि मेरे को दोनों भी चीजें चाहिए, मेरे को मार्क्स भी चाहिए, मेरे को इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, तो दोनों चीजों के लिए पढ़ाई करो। कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुमने यहाँ पे जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है क्या। तो ये कुछ अपना इंट्रोडक्शन वाला सेशन था, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बात कर ली, थोड़ी मेरे बारे में बात कर ली, जाहिर सी बात है ऑफलाइन लेक्चर नहीं, नहीं तो आपके बारे में भी हम यहाँ पे बातें कर लेते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है वो बच्चों, अपन यहाँ पे अपना जो है वो पहला टॉपिक चालू कर देंगे, ठीक है। पहला टॉपिक अपन यहाँ पे अपना चालू कर देते हैं, ठीक है। अभी नोटबुक निकालना है सब लोगों ने, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं सारी सारी बातें यहाँ पे जो है वो बोल दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक आज के सेशन में पूरा नहीं होगा, लेकिन जो है वो अपन कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक जो है वो एक दो सेशन में कंप्लीट हो जाए। देखो बहुत ही बेसिक टॉपिक लिया, टॉपिक का नाम सॉरी इसको 11th को 12th कर देना, और टॉपिक का नाम है बच्चों क्वेश्चन टैग। टॉपिक का नाम क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग टॉपिक का नाम क्या है? क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक जो है वो अपन यहाँ पे चालू करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा तुमको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तुमको जो है वो समझाता हूँ। सबसे पहले ये 11th को यहाँ पे 12th कर देना, ओके सर डन। और इसके बाद मैं तुमको बोलता हूँ कि हमको करना क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन टैग है ना, इसका नाम क्या है टॉपिक का? क्वेश्चन टैग। देखो नाम से हमको क्या क्या चीजें पता चलती है, क्वेश्चन टैग। टैग मतलब क्या? फ्रेम मतलब बनाना। क्या बनाना है हमको यहाँ पे? क्वेश्चन बनाना है। तो हमको ये वाले इसमें क्या करना है, वो एक सेंटेंस देगा, उसको हमको क्वेश्चन बनाना है। देखो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, एकदम 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 सिंपल फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, जो भी तुमको सेंटेंस दिया है ना बच्चों, जो भी सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, वो सेंटेंस को एज इट इज लिखो, कोई भी चेंज नहीं करना वो सेंटेंस में, एज इट इज लिखना है। उसके बाद हमको देना है कॉमा, उसके बाद क्या देना है? कॉमा देना है। कॉमा के बाद हमको यहाँ पे 3 रूल आएंगे। पहला रूल आएगा हेल्पिंग वर्ब का, फिर आएगा नॉट का, और फिर आएगा प्रोनाउन का, ठीक है। अब सर ये रूल क्या है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का रूल हमको ये बोलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब वहां पे लेना है, नॉट का रूल हमको बोलेगा क्या हमको वहां पे नॉट लिखना है या नहीं लिखना है, और प्रोनाउन का रूल यहाँ पे बोलेगा कि हमको कौन सा प्रोनाउन वहां पे लिखना है, और लास्ट में हमको देना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन टैग है ना। क्वेश्चन टैग मतलब हमको क्वेश्चन बनाना है, अगर हमने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो उसमें कुछ फायदा है क्या? मैं तुमको बोल देता हूँ क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन टैग कर रहे हैं हमको, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, वो सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना, और अगर तुमने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया बच्चों तो तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले, समझे क्या। तो देखो पूरा का पूरा सेंटेंस सही करके क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क नहीं देने का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी शादी करके बिना बीबी को लेके घर पे आ जाना। क्या बोला मैंने? सारी की सारी शादी करके, एकदम रस्मों रिवाज के साथ शादी करके बिना बीबी को लेके घर पे आने का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क नहीं देना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सेंटेंस पूरा सही करोगे, सारी चीजें तुम रूल्स एंड रेगुलेशन सारे वहां पे अप्लाई करोगे, लेकिन तुमको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे क्या बच्चों? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तुमने क्वेश्चन मार्क ही नहीं दिया वहां पे, तो क्वेश्चन मार्क का जो है वो इतना बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो पहले हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का क्या रूल है। तो रूल नंबर 1 आएगा हेल्पिंग वर्ब का, रूल नंबर 2 आएगा नॉट का, और रूल नंबर 3 आएगा प्रोनाउन का। सॉरी क्या बोला मैंने, रूल नंबर 1 यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब का, रूल नंबर 2 यहाँ पे आएगा नॉट का, और रूल नंबर 3 यहाँ पे आएगा प्रोनाउन का। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या कहता है, देखो दो केसेस होंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब हमको वो जो सेंटेंस दिया है, वो जो देखो हमको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस देंगे बराबर है क्या, और देखो ये जो सेंटेंस स्टार्टिंग में दिया है, या तो वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया वाला होगा या तो नहीं दिया वाला होगा। देखो इफ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन, मतलब वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, या फिर वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया नहीं है, तो फिर हमको क्या करना है? अगर वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है तो हम वो वाला हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखेंगे। क्या बोला मैंने? अगर वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, हम वो वाला हेल्पिंग वर्ब वहां पे एज इट इज लिखेंगे। और अगर वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो हम डू डज या फिर डिड का
इस्तेमाल करेंगे, डू डज या फिर डीड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सर डू कब यूज करेंगे, डीड डज कब यूज करेंगे और डीड कब यूज करेंगे, मैं बोल देता हूँ। वो जो सेंटेंस हमको दिया है उसमें एक वर्ब होगा, बराबर है। अगर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम डू यूज करेंगे, वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस ई एस लगा वाला होगा तो हम वहां पे डज इस्तेमाल करेंगे। अगर वहां पे पास्ट टेंस होगा यानी कि वी टू या फिर वी थ्री होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म होगा तो हम यहाँ पे डीड का इस्तेमाल करेंगे। देखो बच्चों कितना सिंपल है, फिर से एक बार ये वाले रूल को रिवाइज करते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ, क्या बोला है मैंने, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये वाले रूल को रिवाइज करके देखते हैं कि हमको क्या आता है और हमको नहीं आता है, ठीक है क्या। ये वाले रूल को हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवाइज करके देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड मेरे को सिर्फ देना। देखो हेल्पिंग वर्ब को एक बार रिवाइज करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो जो सेंटेंस दिया उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट है, और दूसरा वाला क्या था, हेल्पिंग वर्ब वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब वहां पे जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब वहां पे प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, वो वाले हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस में दिया वाला रहेगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे कॉमा के बाद। देखो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को तो एज इट इज हम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया वाला होगा ये वाले सेंटेंस में तो वही एज इट इज लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो फिर हम एक तो डू या फिर डज या फिर डीड का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, डू डज या फिर डीड का। देखो बच्चों सेंटेंस में जो वर्ब दिया है अगर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, ठीक है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा जैसे गो दिया है या फिर वहां पे दिया है राइट, ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम डू यूज डू का इस्तेमाल करेंगे। डज मतलब अगर वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस और ईएस लगा है, जैसे मान लो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है गोज या फिर लिखा है राइट्स, तो मतलब एस और ईएस लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डज इस्तेमाल करेंगे। या फिर वहां पे वी टू या फिर वी थ्री यानी कि कोई भी पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पे या तो वेंट है या फिर गॉन है या फिर यहाँ पे रोट है या फिर रिटर्न है, ठीक है, समझा क्या। तो यहाँ पे जहां कहां पे भी पास्ट पार्टिसिपल है वहां पे हम डीड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा सिंपल सा रूल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो कहता है, ठीक है क्या, सब चीजें ठीक है क्या यहाँ पे। चलो सारी की सारी चीजें ठीक है। देखो बच्चों मेरे को बीच बीच में हमारा सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ता है कि क्या सारी की सारी चीजें वहां पे सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि एक आधी बार बीच में वैसे तो धोखा नहीं देता, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन चेक करना जो है वो बनता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं सेकेंड वाले रूल के बारे में। सेकेंड वाला रूल कहता है नॉट। अब सेकेंड वाला रूल कहेगा नॉट, तो नॉट नॉट हमको यहां पे क्वेश्चन क्या है पता है क्या, क्वेश्चन क्या है कि क्या हमको नॉट लिखना है या नॉट नहीं लिखना है। क्या बोला मैंने, क्या हमको सेंटेंस के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्या देखो हेल्पिंग वर्ब तो लिख लिया हमने, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लिखना है या नहीं लिखना है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो एक तो सबसे पहले हमारा जो गिवन सेंटेंस होगा, ये जो सेंटेंस हमको दिया है बच्चों वो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा। सर वॉट इज मीन बाय अफर्मेटिव एंड वॉट इज मीन बाय निगेटिव, निगेटिव मतलब ये वाले सेंटेंस में एक तो नो Not, never, neither nor ऐसे कुछ इसमें वर्ड्स होंगे, ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स होंगे। कैसे कैसे, नो नॉट नेवर नीदर नॉर, ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स रहेंगे। अगर वो वाले सेंटेंस में ऐसा कोई भी नेगेटिव वर्ड है तो वो वाला सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज ऐसा एक भी वर्ड नहीं है तो वो वाला सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बोलो सर अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है मतलब उसमें नो नॉट नेवर नीदर और नहीं है तो क्या करना है, हमको नॉट का इस्तेमाल करना है। सर ये क्या बोल रहे हो, देखो बच्चों वो वाले सेंटेंस में यहाँ पे उल्टा है, उल्टा उल्टा कैसे, अगर वो वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट डालो, अगर नॉट है तो नॉट मत डालो। क्या बोला मैंने, वो वाले सेंटेंस में नो नॉट नेवर है तो नहीं डालना है, अगर नहीं है तो हमको डालना है। हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है मतलब उसमें नो नॉट नेवर नीदर और एक भी वर्ड नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे नॉट को। अगर वो सेंटेंस निगेटिव है मतलब पहले से उसमें नो नॉट नेवर नीदर नॉर जैसा एक भी वर्ड है तो हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम नॉट नहीं लिखेंगे, समझा क्या। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे नॉट जो है वो नहीं लिखेंगे। चलो एक बार फिर से रूल नंबर टू हम यहाँ पे जो है वो रिवाइज करते हैं, रूल नंबर टू हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। रूल नंबर टू किसके बारे में बात करता है बच्चों, रूल नंबर टू बात करता है नॉट के बारे में, ठीक है क्या। रूल नंबर टू यहाँ पे बात करता है नॉट के बारे में, तो नॉट के बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा,
सेंटेंस जो हमको दिया है वो तो हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देके हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है हमने चेक कर लिया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये नॉट हमको लिखना है या नहीं लिखना है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है दो सिचुएशन के ऊपर, हमारा जो सेंटेंस है क्या वो अफर्मेटिव है या फिर वो निगेटिव है, अफर्मेटिव है या फिर वो सेंटेंस निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या होता है, वो वाले सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ऐसा कुछ एक आधा वर्ड रहेगा तो फिर वो सेंटेंस बन गया निगेटिव, और ऐसा एक भी वर्ड नहीं रहा तो वो सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। तो अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम वहां पे नॉट डालेंगे, यानी कि नॉट का इस्तेमाल वहां पे हम करेंगे, बिल्कुल 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 नॉट का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। अगर वो सेंटेंस निगेटिव है मतलब ऑलरेडी उसमें नो नॉट नेवर है तो हम नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, आई रिपीट हम वहां पे नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर टू जो कि बात करता है नॉट के बारे में। ठीक है क्या, चलो तो हमने यहाँ पे रूल नंबर वन देख लिया, रूल नंबर वन बात करता है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, रूल नंबर टू बात करता है यहाँ पे किसके बारे में बात करता है, रूल नंबर टू बात करता है नॉट के बारे में। अब हमारा सिर्फ पेंडिंग है एक रूल जो बोलता है, रूल नंबर थ्री है किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। देखो बच्चों समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने की कोशिश ये करना है कि जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं हमको शायद से थोड़ा बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी सेंटेंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तुमको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था और ये बहुत इजी पीजी टॉपिक है। मैंने पहले बोल दिया इतना इजी टॉपिक इसके अलावा कोई भी नहीं है, इंग्लिश ग्रामर में सबसे इजी इजी टॉपिक वाला यही है क्वेश्चन टैग। तुमको सबको आता भी होगा, फिर भी मेरे लिए एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो अच्छे से बुक में लिख देना। ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, ये पीपीटी के बीच में आपको स्क्रीन पे जो भी सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है वो सारा का सारा तुमने यहाँ पे जो है वो लिख लेना है अपने अपने नोटबुक के ऊपर। ठीक है क्या बच्चों, तो चलो यहाँ पे अभी अपन रुक जाते हैं और रूल नंबर थ्री हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में रूल नंबर थ्री भी पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी सॉल्व करवा के लेंगे। तो फिर से एक बार थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वाला लेक्चर देखने के लिए, ये वाला लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक ठोक देना एक बार वीडियो को, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा। कुछ आपको डाउट रहेगा ये वाले सेशन में या फिर इंग्लिश के कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट रहेगा तो वो वाला डाउट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप आल्सो। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, 9405784991। मेरा नाम फिर से एक बार बोल देता हूँ, मेरा नाम है संकेत सुधीर देशपांडे, तो ये मेरा नाम है। तो मेरे को व्हाट्सएप पे कभी भी तुम मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, जो भी कैसा भी तुम्हारा होता है वैसा। सिर्फ जो नए बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़े नहीं है, मेरे को सबसे पहले ना अपना नाम बताने का और मेरे को बताओ कि आप मेरे लेक्चर कर रहे हो, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे से कौन फोन पे बात कर रहा है, फिर मेरे को कौन मैसेज कर रहा है। तो पहले आपने आपका इंट्रोडक्शन दे देना, बाद में अपने डाउट्स पूछना, सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे विद इन फ्यू आवर्स जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। और अगर तुमको लगा तो तुम यहाँ पे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी तुम्हारे डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है क्या, सो चलो बच्चों यहाँ पे अपन मिलते हैं अभी कल के सेशन में। थैंक यू, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बाहर मत जाना, सैनिटाइजर का यूज करो, मास्क का इस्तेमाल करो, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपनी अपनी केयर करना। ठीक है क्या, अपने फैमिली की केयर करना और बच के रहना कोरोना से। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल के सेशन में, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।